सेहत की बात हमारे साथ काव काव लखनऊ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप महसूस भी कर रहे होंगे कि मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है, यानी पारा लगातार लुढ़क रहा है। यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर हमने और आपने जरा सी सावधानी नहीं बरती। सेहत कैसे ठीक रहे, फिट रहे, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम बात करने चल रहे हैं बरेली शहर के कुछ नामचीन डॉक्टरों से और जानेंगे कि उन्होंने आपके स्वस्थ रखने के लिए इस मौसम में क्या सलाह दी है। आइए सुनते हैं बरेली के कुछ डॉक्टर्स को। दोस्तों नमस्कार, हम आए हैं बरेली के स्टेशन रोड माल गोदाम की तरफ सरन हॉस्पिटल में और यहाँ पर बैठते हैं बरेली के लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन। आपकी सेहत की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आइए बात करते हैं सरन साहब से और जानते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक जाड़े के दिनों में, कोहरे के दिनों में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या है उनका समाधान। मिलिए डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप सरन, सरन हॉस्पिटल से। आज विशेष चर्चा करते हैं हम इस बदलते हुए मौसम के संबंध में। देखिए, तापमान गिर जाएगा, ठंड बढ़ेगी, फिर कोहरा आएगा, कोहरा धुंध बदल जाएगा, उसी अनुसार हमारे शरीर के अंदर बीमारियां भी हमको परेशान करेंगी। पहले भी बात करते हैं हम, जब तापमान कम होगा ठंड बढ़ेगी, जैसे ठंड इस समय आई है, बिल्कुल सिरहन हो रही है, शीत लहर है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए एवं बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक है। पहले बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को नज़ला, जुखाम, खांसी, कान में दर्द और निमोनिया होना, बुखार होना, ये सब चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा होंगी। और इसका प्रमुख कारण होता है रात को सोते समय बच्चे हृदय से बाहर निकल जाते हैं, माँ बेखबर रहती है, पता नहीं लगता है। इसके लिए क्या करें, बच्चे को पूरी तरह से गर्म कपड़े पहन के ये सोच के सुलाएं कि इन केस यदि हृदय हट भी जाए तो भी बच्चे को ठंड ना लगे। बात नंबर दो, दिन भर बच्चे को टोपा पहना के रखें, गला बंद करके रखें। आमतौर पे माएँ सोचती हैं कि स्वेटर पहना दिया सब ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे का शरीर नाजुक होता है, वो ठंड एक बड़े की तुलनात्मक रूप से जल्दी पकड़ लेता है और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है गला और कान और नाक, जहाँ से ठंड लगती है। तो बच्चे को टोपा पहनाना, कानों को ढकना, गले को ढकना भी उतना ही आवश्यक है जितने सारे शरीर को ढकना। बात नंबर दो, यदि बच्चा ठंड खा जाए तो ख़ास तौर से उसको तुरंत उसका स्कूल जाना रुकवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। ये मत सोचिए कि अरे ये 2-3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कारण, बच्चों में एक ही दिन के अंदर बुखार आके तुरंत निमोनिया हो जाना और स्थिति गंभीर हो जाना प्रायः देखने में आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, माओ से निवेदन है, डॉक्टर को दिखाएं तो जो दवा पूरी दें, पूरी मात्रा में दें और पूरा कोर्स कराएं। दूसरी बात, बच्चों को ठंडी चीजें ना दें, क्योंकि जो भी चीज ठंडी चीजें बच्चों को देती है, ये चेतावनी बड़ों के लिए भी है, जाड़ों में चीजों का सेवन ना करें, जैसे केला है, संतरा है, मौसमी है, खट्टा दही है, ये वो चीजें हैं जिनसे कि गला खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इनसे बचाएं। बच्चों को टॉफी कम दें, क्योंकि टॉफी भी गला खराब करती है और जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। तो ये तो मैंने बच्चों के बारे में बात करी। अब मैं बात करना चाहता हूँ वृद्धावस्था या अधिक उम्र वाले लोगों के लिए। डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों बीमारियों के स्तर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाता है जाड़ों के मौसम में। ब्लड प्रेशर के मरीजों का सामान्य ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और डायबिटीज असंतुलित हो जाती है, क्योंकि अब हमको शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक मात्रा में ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो जाड़ के मौसम की शुरुआत होते ही
कृपया डॉक्टर को दिखा के अपनी डोज को एडजस्ट करा लें। इसके अलावा क्योंकि प्राय देखने में आता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में खास तौर से हार्ट अटैक और ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज ज्यादातर आते हैं, वो भी मध्य रात्रि में, ये दो महीने बहुत खतरनाक है बुजुर्ग लोगों के लिए, खास तौर से सांस के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज और डायबिटीज के लिए। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जब कोहरा शुरू होता है, जाड़े की प्रारंभ, उसके बाद कोहरे का आना, तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, गर्दन में दर्द बढ़ जाता है, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के मरीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मांसपेशियां हमारी गर्दन की हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ना तो गर्दन घुमा पाते हैं, गर्दन कंधे बाजुओं में दर्द होता है, काम करने के बाद ही दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, और सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के मरीज में चक्कर आते हैं। ये चक्कर जब आते हैं, जो खासतौर से उठने बैठने के टाइम आते हैं, तो ये सब सारे लक्षण बढ़ जाएंगे जाड़ों के अंदर। तो हमको अपनी त्वचा, अपने आप को इन चीजों से बचाना है। इसके अलावा त्वचा भी हमारी प्रभावित होती है, अत्यधिक ठंड में हमारी जो त्वचा की सरफेस है वो खुरदरी हो जाती है, इसलिए सुबह और शाम मॉइस्चराइजर लगाएं जिससे कि त्वचा में नमी बनी रहे। तो इसके अलावा अपने नज़ले जुखाम, खांसी को, गले खराब होने को हल्के में ना लें, ये बहुत तेजी से बिगड़ के निमोनिया का रूप ले सकता है। तो ये जोड़ों के दर्द के मरीज खासतौर से अपने आप को ठंड से बचाएं, कि सारे जोड़ों के दर्द के मरीजों के दर्द इस अवधि में बढ़ जाएंगे। तो ये वो प्रमुख बीमारियां हैं जिनको कि जाड़ों में जिनका प्रकोप बढ़ जाता है। जाड़ों से बचाव, गले से को ढकना, रात को सोते समय समुचित मात्रा में गर्म कपड़े पहनना। इसके साथ में एक चेतावनी और देना चाहता हूँ, जाड़ों में अलाव का रिवाज बहुत बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई कोयला या लकड़ी जलाते हैं तो इसी विषैली गैसें भी निकलती हैं, तो कमरे में रात को कोई अंगीठी रख के ना सोएं, नहीं तो सुबह तक विषैली गैसें भर जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप हीटर या ब्लोअर यूज करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं उसमें स्पार्क होता है और तार जलता है तो भी हमें समस्या हो सकती है। तो इन कुछ प्रमुख बातों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जाड़ों का लुत्फ उठाएं, लेकिन अपना ध्यान भी रखें, सेहत बहुत महत्वपूर्ण है।